हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेके एक नई ट्रिक की वीडियो। आज की वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट योजनाएँ, और फ्रेंड मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद योजनाएँ कभी नहीं भूलेंगे। पिछली ट्रिक की वीडियो में हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर, अगर किसी ने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसमें हमने ट्रिक से ब्रांड एम्बेसडर को याद किया था। और एक बात फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और ना अच्छी लगे तो इसे डिसलाइक करना, और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपने वीडियो क्यों डिसलाइक की है। हमारा टेलीग्राम चैनल है @itsgkguru, यहाँ से आप हमारे हर एक वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे जो उड़ीसा राज्य में स्टार्ट की गई है, वो सारी योजनाएं पढ़ेंगे। तो पहले आती है अम्मा घरे LED योजना, फिर दिया है उज्जवल सैनिटरी नैपकिन योजना, ये भी उड़ीसा राज्य ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट है विजु स्वास्थ्य योजना, ये भी उड़ीसा राज्य ने स्टार्ट की है। और फिर है जीवन संपर्क परियोजना, ये भी उड़ीसा राज्य ने स्टार्ट की है। तो चलिए ये चारों योजनाएँ हम ट्रिक से कैसे याद करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाई है, देखिए अम्मा घरे LED, फिर दिया है उज्जवल, और फिर स्वास्थ्य, और फिर जीवन संपर्क। इसको कैसे रिलेट करते हैं, देखिए उड़ीसा, उड़ीसा से हमने आगे के तीन अक्षर उठाए हैं, ओड़ी 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 मतलब बूढ़ी, बूढ़ी ओड़ी का यहाँ पे वर्ड बनाया हमने, बूढ़ी। बूढ़ी कौन, अम्मा, अम्मा घर पर बूढ़ी है और उसका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब है, स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब है। और वो अम्मा कहती है कि बेटा मेरे घर में कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, तो तू क्या कर इसमें LED लगवा दे, ताकि मेरा घर उज्जवल हो जाए और मेरा जीवन से संपर्क बना रहे। फिर से रिपीट करता हूँ, उड़ीसा से हमने वर्ड बनाया उड़ी, उड़ी से वर्ड बना बूढ़ी, बूढ़ी कौन, अम्मा। और अम्मा कहती है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि घर पर लाइट नहीं है, अंधेरा है बिल्कुल, तो तू क्या कर घर में LED लगवा दे, जिससे घर में उजाला आ जाए, उज्जवल, और मेरा जीवन में जो जीवन का संपर्क है वो भी बना रहे। तो इसे हमने याद किया कि अम्मा घरे LED योजना कहाँ पे है, उड़ीसा। नेक्स्ट थी उज्जवल सैनिटरी नैपकिन योजना, वो भी उड़ीसा की। स्वास्थ्य बीमा योजना बिजू स्वास्थ्य योजना, ये भी उड़ीसा की। और जीवन संपर्क परियोजना, ये भी उड़ीसा। बात यहाँ पर उड़ीसा की आई है तो हमें पता होना चाहिए कि उड़ीसा के CM कौन है और उड़ीसा के गवर्नर कौन है। उड़ीसा के CM कौन है, नवीन पटनायक, और गवर्नर यहाँ के कौन है, गणेशी लाल। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट परियोजना आती है गो कल्याण सेस परियोजना, गो कल्याण सेस परियोजना, ये स्टार्ट की गई थी उत्तर प्रदेश से। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ये देखिए ट्रिक में क्या है। सबसे पहले गाय, गाय हमें क्या देती है, दूध, और दूध से हमें याद रखना है दुधवा नेशनल पार्क, और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। फिर से रिपीट कर देता हूँ, गौ कल्याण सेस परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई है, उत्तर प्रदेश में। ट्रिक क्या था, गाय, गाय हमें क्या देती है, दूध, दूध से हमें याद करना है दुधवा नेशनल पार्क, और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। आई होप ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक से पहले यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो हमें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के CM कौन है और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर कौन है। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है युवा स्वाभिमान योजना, ये स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश से। फिर है जय किसान ऋण मुक्ति योजना, ये भी स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है अटल सोलर कृषि पंप योजना, ये स्टार्ट की है महाराष्ट्र से। और नेक्स्ट है महाग्रीटेक परियोजना, ये स्टार्ट की गई है महाराष्ट्र से। तो चलिए इससे ट्रिक से कैसे याद करते हैं। यहाँ ट्रिक दिया हुआ है किसानों के मध्य युवा स्वाभिमान, बड़ा ग्रेट व्यक्ति, और महा सोलर पंप। कैसे रिलेट करेंगे कि किसानों की जो फसल अच्छी नहीं होती, या फिर ज़्यादा बारिश होने के कारण, या फिर बारिश ना होने के कारण वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये क्या है, उनके लिए एक युवा स्वाभिमान वाला व्यक्ति आया, बड़ा ग्रेट व्यक्ति आया किसानों के मध्य, किसानों के मध्य एक ग्रेट व्यक्ति आया, और वह कहता
कि मैं आपको एक बड़ा महा जो सोलर पंप, सोलर से स्टार्ट होगा पंप, उससे आप पानी निकाल सकते हैं, वो आपको लगवा के दूंगा। तो किसानों के मध्य एक युवा स्वाभिमान वाला बड़ा ग्रेट व्यक्ति आया जो कहता कि मैं आपको महा बड़ा सोलर पंप लगवा के दूंगा। चलिए इससे हमें याद हो गया है सभी, अब बता देता हूँ आपको। ये देखिए, युवा स्वाभिमान की एक युवा व्यक्ति आया, किसके मध्य? किसानों के मध्य। जय किसान ऋण मुक्ति योजना, ये किससे होगा? किसानों के मध्य एक बड़ा स्वाभिमान व्यक्ति आया और उसने क्या किया, उनको बोला कि मैं आपको एक महा बड़ा सोलर कृषि पंप लगवा के दूंगा। महा का मतलब यहाँ से वर्ड से लिया है, महा बड़ा सोलर पंप लगवा के दूंगा। और वह व्यक्ति क्या था? महा ग्रेट व्यक्ति था। यहाँ पर वर्ड आगे भी दिया गया है महा, तो इससे महाराष्ट्र इजीली आपको याद हो सकता है। बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की आई है, तो हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के CM कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है। तो मध्य प्रदेश के CM हैं कमलनाथ और यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। नेक्स्ट दिया था महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के CM हैं देवेंद्र फडणवीस और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। आई होप ये ट्रिक भी आपको इजीली याद हो गई होगी। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। किस रेलवे स्टेशन पर फन जोन स्थापित किया गया है? किस रेलवे स्टेशन पर फन जोन स्थापित किया है? तो ये है विशाखापट्टनम। इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखते हैं। ये यहाँ पर ट्रिक दी हुई है, फनी गर्ल सबकी जान विशाखा। अब छोटी सी बच्ची है विशाखा, वो इतनी फनी है कि वह सबकी जान है। तो यहाँ पे याद हो गया फन वर्ड से फनी और जोन से जान। जो विशाखा लड़की है वो इतनी फनी है कि वो सबका मन मोह लेती है और सबकी क्या है? जान है। तो हमें याद हो गया कि किस रेलवे स्टेशन पर फन जोन स्थापित किया है, तो वह है विशाखापट्टनम, विशाखा से विशाखा लड़की। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट योजना आती है वॉक टू वर्क। ये स्टार्ट किया है मेघालय के CM ने, कॉन्रेड सगमा ने स्टार्ट किया है। तो इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो एक व्यक्ति है बड़ा ही कामचोर, वो काम नहीं करना चाहता और अपने सर से कहता है कि सर मेरे टेबल से लगी और मैं घायल हो गया, देखो मेरा कान रेड हो गया है, लाल हो गया है। तो क्या है ट्रिक? टेबल से लगी और मैं घायल, देखो मेरा कान है जो रेड हो गया है। बहाने बना रहा है अपने सर से, पर उसका सर कहता है वॉक टू वर्क, काम पे चलो, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब देखिए हमने कैसे याद किया, टेबल से लगी। अब मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग। अब यहाँ पे वर्ड शिलोंग से हमने क्या बनाया, से लगी। तो यहाँ पर हमने याद कर लिया कि इसकी राजधानी क्या है, शिलोंग, और यहाँ के जो CM कौन है, कॉन्रेड संगमा। इससे ट्रिक से हमें CM भी याद हो गया और यहाँ के गवर्नर कौन है, तथागत रॉय। तो इससे हमें याद हो गया कि वॉक टू वर्क योजना कहाँ की है, मेघालय की। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट योजना आती है उम्मीद पहल। ये स्टार्ट की है नवजात बच्चों को अनुवांशिक रोगों से बचाने के लिए। उम्मीद की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस है इसके। इसकी फुल फॉर्म है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। तो चलिए इसे ट्रिक से कहते याद करते हैं। क्या है कि एक बच्चा है जो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, अनुवांशिक रोगों से उसकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई है। गांव वाले कहते हैं अब तो बस एक ही उम्मीद है, एक ही डॉक्टर है जो इसे बचा सकता है। तो उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने ये योजना स्टार्ट की है। हमारे स्वास्थ्य और केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, उन्होंने ये स्टार्ट की है। तो ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि एक ही डॉक्टर है जो इसे बचा सकता है, डॉक्टर के पास क्या है, हर समाधान। अब यहाँ से देखिए हर से क्या है, हर और आर यहाँ पे साइलेंट कर दीजिए, तो क्या है, समाधान। क्या है, उस डॉक्टर के पास हर बीमारी का समाधान है, तो उस बच्चे को वहीं डॉक्टर ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये योजना भी आपको याद हो गई होगी। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना और अपना फेवरेट कमेंट हमें कमेंट में बताना कि आपको फेवरेट ट्रिक आपका कौन सा था। तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।